हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए माइक्रीम का झूमर दिवाली डेकोरेशन के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेड कलर का माइक्रीम कॉर्ड। आप कोई भी माइक्रीम कॉर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइट कलर के बेल्स, ये मीडियम साइज़ के बेल्स हैं, आप कोई भी बेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मटका शेप बीड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये हमारे व्हाइट कलर के मटका शेप बीड्स हैं। और एक रिंग की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे 5 इंच का रिंग यूज़ किया है। अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे 6 या 7 इंच का रिंग भी यूज़ कर सकते हो। और हमेशा की तरह एक लाइटर और सीज़र। सो फ्रेंड्स, यही मटेरियल आपको इस माइक्रीम के झूमर और आकाश कंदिल बनाने के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बनाना। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 8 कॉर्ड्स को ये सेफ्टी पिन के साथ यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। ये सेंटर हमने निकाला है और टोटल 8 कॉर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये 8, टोटल 8 कॉर्ड्स है। ये सेंटर निकाल के यहाँ पे मैंने इसको जो है बीच में से निकाल के सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे और इसका 1 कॉर्ड का मेजरमेंट यहाँ पे रहेगा 2.5 मीटर। और इस तरीके से सेंटर निकाल के यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है। अब आपको यहाँ पे चाहिए एक एक्स्ट्रा कॉर्ड, ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा कॉर्ड मैंने यहाँ पे लिया है। अब इस कॉर्ड को हम कहीं पे भी यहाँ पे नीचे में रखते हुए कॉर्ड्स के इस तरीके से, और यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से, और इस नॉट को हम नीचे की तरफ यहाँ पे हम कर देंगे जिससे हम अगला डिज़ाइन यहाँ पे बना पाएं। और इस तरीके से कॉर्ड को नीचे से यहाँ पे लेना है इस तरीके से, और इस लूप में से बाहर निकाल लेना है। टाइट रखना है आपको कॉर्ड इस तरीके से, एक बार ऊपर की तरफ से निकाल लेंगे और एक बार हम यहाँ पे कॉर्ड को जो है ऊपर की तरफ से, और एक बार नीचे की तरफ से कॉर्ड को हमें यहाँ पे निकाल लेना है इस तरीके से। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बार कॉर्ड को इस तरफ से निकाल लेना है इस तरीके से, और एक बार कॉर्ड को आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ से निकालना है, जिससे जो ये लूप रहेगा यहाँ पे इस तरीके का ये पैटर्न बन करके आएगा। ये ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इसी तरीके से पूरी जो कॉर्ड रहेगी एक हाइट तक आपको ये डिज़ाइन को यहाँ पे बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये डिज़ाइन मैंने आगे कंटिन्यू किया है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रख लेंगे और साइड में से 2 कॉर्ड और इस तरफ से 2 कॉर्ड यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से, और एक नॉट यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके से, एक नॉट यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे साइड में से 4 कॉर्ड्स ले लेंगे और यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से, और एज इट इज अब हम यहाँ पे 4 कॉर्ड्स ले करके एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे जो पीछे की तरफ हमारी 4 कॉर्ड रहेंगी, वो 4 कॉर्ड को ले करके यहाँ पे हम एक नॉट फिर से जो है लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये नॉट लगने के बाद यहाँ पे हम सेंटर की कॉर्ड ले लेंगे, कोई भी एक कॉर्ड यहाँ पे आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नॉट लगाया वो कॉर्ड ले लिया है। अब हम इसके अंदर जो है एक मटका शेप बीड्स को फंसाएंगे। मैंने वाइट बीड्स का यहाँ पे यूज़ किया है इस तरीके से, ये बीड्स हम फंसा लेंगे और यहाँ पे हम जो है स्पायरल नॉट्स लगा लेंगे इस तरीके से। नॉट लगाने के बाद स्पायरल नॉट यहाँ पे लगाएंगे ये 3,
4 और ये 5। जब आपका ये 5 नॉट्स हो जाएगा तब आपको इसको इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ पे फिर से स्पाइरल नॉट्स लगा लेना है। 5 टाइम्स के बाद आपको ये जो है पलटना है। 3, 4 और ये 5। तो इसी तरीके से ये 5 नॉट्स हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से एक बीट्स को फंसाएंगे। और यहाँ पे फिर से स्पाइरल नॉट्स लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स इसी तरीके से बना के रेडी किया हुआ है। अगर एक कॉलम की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 बीट्स को इस तरीके से यहाँ पे ऐड किया है और 5, 10 टाइम्स यहाँ पे बीच में स्पाइरल नॉट्स लगाए हैं इस तरीके से। एज इट इज 4 कॉलम्स मैंने बनाई है। अब आपको यहाँ पे चाहिए ये हमारी 5 इंच की रिंग है, कॉर्ड को आपको इसके अंदर से निकाल लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम जो है स्पाइरल नॉट्स को इस तरीके से जो है कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग करेंगे। ये कॉर्ड को जो पाइपिंग करेंगे तो ये जो कॉर्ड हम रखेंगे इनको थोड़ा यहाँ पे आपको टाइट रख लेना है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉर्ड लिया है। आपको देख करके ये पाइपिंग करना होगा, जो कॉर्ड जहां से आ रही है वही कॉर्ड आपको रिंग के ऊपर पाइपिंग करना है। अगर आप ये कॉर्ड मैंने यहाँ पे पाइपिंग किया, अगर इसकी जगह मैं ये कॉर्ड पाइपिंग करूँगा तो ये थोड़ा यहाँ पे गलत लगेगा और अच्छा नहीं इसका लुक आएगा। तो यहाँ पे आपको देख करके जो कॉर्ड आ रही है वही कॉर्ड यहाँ पे रिंग के ऊपर पाइपिंग करनी होगी। और यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड को 2 टाइम्स यहाँ पे निकालना है तभी हमारी ये पाइपिंग जो है हम कर रहे हैं वो हो पाएगी इस तरीके से। एक बार निकाल लिया, अब ये मैंने सेकेंड टाइम यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉर्ड मैंने जो है रिंग में अटैच किया है, दो बाकी के 2 कॉलम्स भी हम इस रिंग पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स को अटैच कर लिया और यहाँ पे मैंने 4 एक्स्ट्रा कॉर्ड्स अटैच कर लिए हैं। अब हम बाकी के कॉर्ड्स इसमें अटैच कर लेंगे और ये जो कॉर्ड हम इस पर अटैच करेंगे, मैंने रेड कलर के कॉर्ड यहाँ पे ली है, इसका मेजरमेंट है 1 मीटर। अब कॉर्ड के रिंग के नीचे से कॉर्ड लेना है और इस तरीके से यहाँ पे कॉर्ड को जो है
हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए ये फिर से मैंने कॉर्ड लिया है, 1 मीटर की कॉर्ड रहेगी। जो भी मैं यहाँ पे कॉर्ड यूज करने वाला हूँ सभी का जो मेजरमेंट है वो 1 मीटर रहेगा। इस तरीके से जो है रिंग के नीचे से कॉर्ड आपको यहाँ पे ले लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम कॉर्ड को एज इट इज अटैच कर लेंगे। अब ये हमारी लास्ट कॉर्ड है इस रिंग में, इस तरीके से कॉर्ड को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। एक एक स्पेस में मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉर्ड्स यहाँ पे अटैच किया है। और इस तरीके से अब हम इस लूप को अंदर की तरफ यहाँ पे कर लेंगे, और एक लूप के अंदर मैंने 10 कॉर्ड्स को अटैच किया है एज इट इज। बाकी कॉर्ड्स में हम यहाँ पे जो है रिंग में बाकी कॉर्ड्स अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक एक कॉल्यूम में 10-10 कॉर्ड्स अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे साइड में से कॉर्ड ले लेंगे इस तरीके से। एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, उसकी सेंटर की 2 कॉर्ड्स में हम बीट्स को फंसाएंगे। मैंने वाइट बीट्स का यहाँ पे यूज किया है इस तरीके से, और बीट्स को फंसाने के बाद यहाँ पे हम जो है सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरीके से अब आगे से 2 कॉर्ड ले लेंगे और उसमें भी सेम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। 2 कॉर्ड्स में बीट्स को फंसाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाएंगे। अब आगे यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक लाइन बन गया है। अब हम सेकेंड लाइन में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। साइड से 2 कॉर्ड्स छोड़ते जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे कॉर्ड को ले लेंगे। सेंटर की 2 कॉर्ड्स में आपको फिर से यहाँ पे बीट्स को फंसाना है इस तरीके से, और फिर से हमें यहाँ पे सिंपल नॉट लगाना है, और यहाँ पे यही प्रोसेस अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने ये लाइन को कंप्लीट किया। अब हम यहाँ से साइड से दो कॉर्ड छोड़ देंगे। अब फोर कॉर्ड्स में सेंटर की टू कॉर्ड्स लेकर के यहाँ पे फिर से बीट्स को फंसाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे, और अगली बार हम यही डिज़ाइन जो है आगे रिपीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये लाइन कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पे साइड में से दो कॉर्ड ले लेंगे, दो नॉट के बीच की दो नॉट लेना है, फिर दो कॉर्ड लेकर के बीच को फंसा लेना है, और सिंपल नॉट लगा करके यही डिज़ाइन हम आगे रिपीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन मैंने बना लिया है। अब जब हम सेकेंड यहाँ पे जो कॉल्यूम है बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है दो कॉर्ड ले करके उसमें बीट्स को एक फंसा लेना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने बीट्स को जो है फंसा लिया है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे भी एक बीट्स को फंसा लेंगे इसी तरीके से। और यहाँ पे भी हम जो है एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। और जब ये नॉट हमारे यहाँ पे लग जाएगी, तब हम यहाँ से दो कॉर्ड ले लेंगे इस तरीके से, और इस तरफ से दो कॉर्ड लेकर के यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने कोई बीड ऐड नहीं किया है, और सिंपल सिर्फ एक नॉट यहाँ पे आपको लगाना है इस तरीके से। अब ऐसे ही हम इस तरफ में नॉट लगा लेंगे
और ये नॉट आपको जितना टाइट लगाना है आप उतना टाइट ये नॉट लगा सकते हो। अब जब ये नॉट हमारा लग जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ नॉट लगा लिया है। अब यहाँ से हम कॉर्ड को छोड़ देंगे और दो कॉर्ड यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम सारी की सारी कॉर्ड, जितनी कॉर्ड यहाँ पे हैं उन सभी को हम इसके ऊपर जो है पाइपिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो तरफ पाइपिंग करके इसको जो है एक हाइट तक कट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉर्ड मैंने इस तरीके से जो है कट कर लिया है। अब जब हम यहाँ पे सेंटर में जो है हमारे पास फोर कॉर्ड्स आ जाएंगी, तो उसकी सेंटर की एक कॉर्ड आपको ले लेना है और उसके अंदर हम एक बीड्स को जो है पहले फंसा लेंगे इस तरीके से। इसको यहाँ पर ही हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में से दो कॉर्ड आपको ले लेना है, उसके अंदर अब हम यहाँ पे बीड्स को फंसाएंगे। तो मैं एक कॉर्ड के अंदर अब यहाँ पे दो बीड्स को फंसा लूंगा इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक वाइट कलर की बेल्स को फंसाएंगे और दो कॉर्ड को हम यहाँ पे मेल्ट करेंगे इस तरीके से, और कॉर्ड को यहाँ पे आपस में स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जो हमारी बेल्स होगी वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और इसकी हाइट जो रखेंगे वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे हाइट थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखी है क्योंकि ये हमारा जो है लुक इसका अच्छा आएगा, तो इसीलिए इसकी हाइट में थोड़ी बड़ी रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से हाइट रख सकते हो। अब फिर से दो कॉर्ड ले लिया है मैंने, कॉर्ड के अंदर बीड्स को फंसा चुका हूँ, अब बेल्स को मैंने फंसा लिया है। फिर यहाँ पे कॉर्ड को मेल्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम आपस में इसको स्टिक कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। अब फिर से हम साइड में से कॉर्ड ले लेंगे, कॉर्ड में हम बीड्स को फंसा लेंगे, और यहाँ पे बेल्स को ले लेंगे। फिर कॉर्ड को आपको यहाँ पे मेल्ट कर लेना है और इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे हाइट इसका देख सकते हो, ये उससे थोड़ा छोटा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब यहाँ पे साइड में से कॉर्ड ले लेंगे इस तरीके से, बीड्स को फंसा करके बेल्स को फंसा लेंगे, और यहाँ पे हम लाइटर की हेल्प से कॉर्ड को मेल्ट करते हुए आपस में चिपका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसी तरीके से हम यहाँ पे जो सारी कॉर्ड्स है और यही जो पैटर्न रहेगा पूरी रिंग में हम यहाँ पे बना लेंगे।